Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So dear students, in your today's class of subject English, we are going to do the MCQs of the poem From a Railway Carriage. तो बढ़ते हैं MCQs की जानिब और देखते हैं statements को. So the statement number one is, the poem is written by, ये जो poem है From a Railway Carriage, इसको लिखा है किसने. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर. ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, बी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, सी जॉन कीट्स, डी नन ऑफ देम. तो ये जो पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, इसको किसने कंपोज किया है. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. नेक्स्ट स्टेटमेंट, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज आ और एन. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो हैं वो कौन से पोइट हैं, यानी उनकी बिलोंगिंग कहाँ से है. ऑप्शंस जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो हैं इंग्लिश पोइट, आयरिश पोइट, अमेरिकन पोइट और स्कॉटिश पोइट. तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी स्कॉटिश पोइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन नॉवेल्स ऑफ. ट्रेजर आइलैंड और किडनैप, ये जो दो नॉवेल्स के नाम बताए गए हैं, ये किसके नॉवेल्स हैं. ऑप्शंस वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जॉन कीट्स, नन ऑफ देम. तो इन चारों में से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट आंसर क्या है आपका. सो दीज टू नॉवेल्स आर रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका हो गया करेक्ट आंसर. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिरे तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेरे निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मजाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs. याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है. तो फिर आए शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाए. रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें. नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच इज फास्टर देन फेरीज एंड विचेस. क्या चीज है जो कि तेज चल रही थी फेरीज परियों से और विचेस चुड़ैलों से भी. तो वो क्या चीज थी. ऑप्शंस की पोएम की लाइन है जिसको क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर दिया गया है. रेलवे कैरेज, लॉरी, एरोप्लेन, नन ऑफ दीज. सो इट वॉज ऑप्शन ए, यानी के रेलवे कैरेज. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द वर्ड मीडो मीन्स. पोएम के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कि मीडो. आपसे पूछी गई है इस वर्ड की मीनिंग. सो ऑप्शन अ माउंटेन, अग्रेसिव फील्ड, एंड आइलैंड, नन ऑफ दीज. सो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी के अग्रेसिव फील्ड. नेक्स्ट स्टेटमेंट, Here is a child who clambers and scrambles all by himself in gathering. पूरी ये पोएम की लाइन है, आपने इसको कंप्लीट करना है. गैदरिंग के बाद इस लाइन में क्या आना चाहिए. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ऑप्शन ए स्टोन्स, ऑप्शन बी थॉर्न्स, ऑप्शन सी ब्रैम्बल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है आपके पास गैदरिंग ब्रैम्बल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ होमलेस पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डज नो रेगुलर वर्क इज अ. वो शख्स जिसका कोई घर नहीं है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और कोई ना रेगुलर वर्क है, तो उस बंदे को क्या कहते हैं. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ट्रैम्प, विच, ट्रैवलर, नन ऑफ देम. तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, यानी ट्रैम्प.
सो स्टेटमेंट आपके पास ये थी स्टूडेंट्स, जो कि पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज से रिलेटेड थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।